Hello students, today I am going to teach you revision of first unit test and subject is Hindi. तो क्वेश्चन नंबर वन होगा आपका होगा वो होगा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. इसमें लिखना है हमें नंबर नंबर एक है जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा. रिक्शान के यहाँ पूर्ति भी करना है, यहाँ से आंसर भी देकर यहाँ में इसमें बॉक्स में भी लिखना है. ए है बकरी, बी हिरनी, सी लोमड़ी, डी है सियारीन. तो जंगल में जो शिकारी जाता है शिकार के लिए, किसका शिकार के लिए जाता है, वो हिरन के शिकार के लिए जाता है. तो उसे क्या दिखाई देती है जंगल में, हिरनी. यहाँ पर ए बकरी, बी हिरनी, सी लोमड़ी और डी सियारीन. जो हमारा सही जो उत्तर है, सही विकल्प है वो है क्या है, बी हिरनी. इसका जो है हम यहाँ पर क्रम अक्षर जो है हम यहाँ लिखेंगे बी. दो नंबर है शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया. ए झाड़ी, बी पेड़, सी पहाड़ी, डी खंबे. दो नंबर में शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया. ए झाड़ी, बी पेड़, सी पहाड़ी, डी खंबे. हमारा जो सही विकल्प है वो है बी पेड़. तो शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया. उसका जो क्रम अक्षर है वो है बी. तो हम यहाँ लिखेंगे बी. तीन नंबर में है हिरनी निशाने की खाली जगह में आ गई. ए सीध, बी दिशा, सी ताक, डी पहुंच. हिरनी निशाने की सीध में आ गई. यहाँ से हम लेंगे सीध, जिसका सही विकल्प है वो लेंगे सीध. इसका जो क्रम अक्षर है वो है ए है. हम यहाँ लिखेंगे ए. नंबर चार पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं. ए पिल्ला, बी मेमना, सी शिशु, डी शावक. पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं. हम यहाँ से जो डी है इसका जो क्रम अक्षर है इसका डी, और इसका जो सही विकल्प है शावक और उसका क्रम अक्षर हम यहाँ डी लिखेंगे. पांच नंबर है डॉक्टर ने घाव पर खाली जगह लगाया. ए चूना, बी पाउडर, सी मरहम, डी तेल. जो हमारा सही विकल्प है वह है मरहम. डॉक्टर ने घाव पर क्या है, डॉक्टर ने घाव पर मरहम लगाया. जो इसका सही विकल्प जो क्रम अक्षर है वो है सी. तो हम यहाँ लिखेंगे सी. दूसरे जो है दूसरे विकल्प हम देखते हैं यहाँ पर. कछुआ कहाँ रहता था, कछुआ कहाँ रहता था. ए नदी में, बी झील में, सी पोखर में, डी तालाब में. तो कछुआ कहाँ रहता था, हमारा जो सही विकल्प है वह है तालाब में. इसका जो क्रम अक्षर है वह है डी. हम यहाँ लिखेंगे डी. यहाँ पर है कछुआ बहुत खाली जगह था. ए शरारती, बी आलसी, सी बातूनी, डी बुद्धिमान. तो कछुआ कैसा था यहाँ लिखेंगे बातूनी. बहुत बोल बोल करता था तो बहुत बातूनी था. यहाँ लिखेंगे बातूनी था. इसका क्रम अक्षर है सी. यहाँ लिखेंगे सी. तीन नंबर है हंसों ने दूसरे खाली जगह पर जाने का निश्चय किया. ए तालाब, बी पोखर, सी स्थान, डी पहाड़. तीन नंबर में हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया. तो का तालाब है उसका जो क्रम अक्षर है ए है. तो हम यहाँ लिखेंगे ए. हंसों ने लकड़ी का एक एक खाली जगह मुंह में पकड़ लिया. हंसों ने लकड़ी का एक एक खाली जगह मुंह से पकड़ लिया. ए भाग, बी जोड़, सी सिरा, डी गठर. इसका सही विकल्प है वह है सिरा है. तो हंसों ने
लकड़ी का एक एक सिरा मुंह में पकड़ लिया। हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना कर दिया। ए उड़ने, पी देखने, सी सुनने और डी बोलने। तो क्या मना किया था कछुए ने उसे, क्या मुंह मत खोलना, तुम्हारा मुंह बंद रखना। तो उसे क्या है, हंसों ने कछुए को बोलने से मना कर दिया। इसका जो सही विकल्प है, हम जो सही विकल्प चुनेंगे वह है बोलने। तो यहाँ पर है डी है, तो इसका सही जो क्रम अक्षर है बोलने, तो हम यहाँ लिखेंगे डी। तो हंसों ने कछुए को बोलने से मना कर दिया। आगे के हम आते हैं विकल्पों पर। यहाँ है कौवे को खूब खाली जगह लगी थी। ए भूख, बी प्यास, सी नींद, डी चोट। तो कौवे को खूब प्यास लगी थी, तो इसका जो है सही क्रम जो क्रम है इसका क्रम अक्षर है बी। हम यहाँ लिखेंगे बी। दो नंबर है कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा। कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा। ए लोटा, बी घड़ा, सी खाना, डी पानी। तो हमारा जो है जो राइट है जो है सही विकल्प है वह क्या है, लिखेंगे यहाँ पर घड़ा। तो कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा, तो हम लिखेंगे घड़ा। इसका जो क्रम अक्षर है वह है बी है, यहाँ लिखेंगे बी। तीन नंबर है कौवे ने घड़े में क्या डाले। कौवे ने घड़े में क्या डाले। ए कंकड़, बी कंचे, सी ढेले, डी दाने। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है कंकड़। इसका क्रम अक्षर है वह है ए, तो हम यहाँ लिखेंगे ए। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले। चार नंबर में है कौवा कैसा था। ए जल्दबाज, बी धूर्त, सी बुद्धिमान और डी साहसी। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प क्या है, वो बुद्धिमान था। चार कौवा कैसा था। ए जल्दबाज, बी धूर्त, सी बुद्धिमान, डी साहसी। हमारा जो सही उत्तर है जो सही विकल्प है बुद्धिमान। उसका जो क्रम अक्षर है वह है सी, हम यहाँ लिखेंगे सी। आगे के जो विकल्प हैं हम देखेंगे। यहाँ पर है किसके मुंह में पानी आ गया। एक नंबर में है किसके मुंह में पानी आ गया। ए है लोमड़ी के, बी सियारिन के, सी भालू के, डी कुतिया के। तो किसके मुंह में पानी आ गया, यहाँ लिखेंगे लोमड़ी के। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, इसका जो सही क्रम अक्षर है वह है ए, हम यहाँ लिखेंगे ए। दो नंबर में है पेड़ की डाल पर कौन बैठा था। पेड़ की डाल पर कौन बैठा था। ए कोयल, बी कौवा, सी कबूतर, डी मोर। तो जो हमारा करण जो है सही विकल्प है वह है कौवा। पेड़ की डाल पर कौन बैठा था, सही विकल्प है कौवा। इसका जो क्रम अक्षर है वह है बी, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बी। तीन नंबर में है लोमड़ी कैसी थी। ए शर्मीली, बी चालाक, सी मूर्ख, डी भोली। तो लोमड़ी कैसी थी, तो चालाक थी हम यहाँ लो। तो यहाँ इसका जो है क्रम अक्षर है वह है बी, हम यहाँ लिखेंगे बी। चार नंबर में कौवा कैसा था। ए धोखेबाज, बी मूर्ख, सी समझदार, डी चापलूस। तो कौवा कैसा था, तो सी लिखेंगे, समझदार था। उसने बोला तो भी क्या है, लोमड़ी ने उसको उसकी बहुत तारीफ की लेकिन उसके बहकावे में नहीं आया, नहीं तो वो उसके हाथ से जो मुंह में थी रोटी वो गिर जाती। तो कौवा भी बहुत चालाक था, तो क्या लिखेंगे यहाँ, समझदार था। इसका जो क्रम अक्षर है वह है सी, सो हम यहाँ लिखेंगे सी। पांच नंबर है अपनी झूठी बढ़ाई सुनकर कौवा
खाली जगह नहीं हुआ। ए दुखी, बी चकित, सी गुमराह, डी परेशान। अपनी छोटी बढ़ाई सुनकर कौवा गुमराह नहीं हुआ। इसका जो क्रम अक्षर है वह सी, तो हम यहाँ लिखेंगे सी। दूसरे विकल्प पर हम जाएंगे। हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है। हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है। ए ऊंच नीच, बी सुख दुख, सी गरीब अमीर, डी जाति। जाति है जाति पाति, तो हमारा क्या है जीवन सुख दुख की कहानी है। हम यहाँ लिखेंगे सुख दुख, ये जो उसका क्रम अक्षर है बी है सुख दुख का, हम यहाँ लिखेंगे बी। हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है। दो नंबर है, हमारा राग कैसा होना चाहिए। हमारा राग कैसा होना चाहिए। ए सुहाना, बी ऊंचा, सी स्वादिष्ट, डी पवित्र। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है सुहाना। हमारा राग सुहाना होना चाहिए। इसका जो क्रम अक्षर है वह है ए, हम यहाँ लिखेंगे ए। तीन नंबर में है, खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है। ए सज्जनता, बी सुंदरता, सी एकता, डी मानवता। तो लिखेंगे मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। इसका जो क्रम अक्षर है वह है डी, हम यहाँ लिखेंगे डी। अब हम अगले जो विकल्पों पे जो विकल्पों को देखेंगे यहाँ पर, दूसरे जो लेसन जो है सब उसमें से लेसन में से देखेंगे पाठ में से। एक नंबर में है, बिच्छू को खाली जगह सूझी। ए तरकीब, बी कल्पना, सी शैतानी, डी अक्ल। तो बिच्छू को क्या सूझी, तो बच्चू है सही जो उत्तर है, बिच्छू को शैतानी सूझी। तो ए तरकीब, बी कल्पना, सी शैतानी है, जो इसका जो क्रम अक्षर सी है शैतानी, डी में है अक्ल, लेकिन जो सही उत्तर है इसका है सी शैतानी। इसका जो क्रम अक्षर है यहाँ लिखेंगे सी। दो नंबर में है, बिच्छू अपनी गंदी आदत का खाली जगह था। ए मालिक, बी गुलाम, सी आदि, डी कीड़ा। तो सही विकल्प जो है गुलाम, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम था। इसका जो है सही जो क्रम जो है क्रम लेटर है उसका जो कर्म अक्षर है यानी जो है गुलाम है, तो हम यहाँ इसका बी है तो यहाँ लिखेंगे बी। तीन नंबर है, बिच्छू के प्राण पुनः किसमें पड़ गए। ए दलदल में, बी लालच में, सी संकट में, डी चक्कर में। सही उत्तर है संकट में, तो बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इसका जो सही है जो उसका विकल्प है वो है संकट में। इसका क्रम अक्षर है सी, हम यहाँ लिखेंगे सी। चार नंबर है, मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई। मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई। ए माता की, बी पिता की, सी भगवान की, डी नन्ही की। नन्ही ने उसे दो बार उसे बचाया था एक बार, फिर उसको उसने तो भी डंक मारा। फिर क्या है जब फिर से वो उसको बिच्छू जब दलदल में फंसा फिर भी उसको किसकी याद आई। तो मौत सामने देखा कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो उसको किसकी याद आई, तो नन्ही बतख की याद आई। तो डी में है नन्ही की, तो हम यहाँ लिखेंगे मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। इसका जो है क्रम अक्षर है डी, हम यहाँ लिखेंगे डी। पांच नंबर है, बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया। बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया। ए बच्चों को, बी बूढ़ों को, सी स्त्रियों को, डी निर्दोष को। सही जो उत्तर है बिच्छू ने निर्दोष को डंक न मारने का वचन दिया। इसका जो क्रम अक्षर है वह डी है, हम यहाँ लिखेंगे डी।
छह नंबर में है, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा, ए पानी की धारा में, ए पानी की धारा में, बी कुएं में, सी तालाब में, डी गड्ढे में। क्या है? ए पानी की धारा में, बी कुएं में, सी तालाब में और डी है गड्ढे में। तो हम उसका जो सही क्रम अक्षर है वह क्या है, बच कहाँ गिरा, वह पानी की धारा में। इसका जो सही क्रम अक्षर वह है पानी की धारा में, और यहाँ लिखेंगे उसका क्रम अक्षर ए, यहाँ लिखेंगे ए। अगले जो है विकल्प है वह है जो है लेसन जो 5 नंबर का है, धरती को महका है कविता जो है उसमें से लिया है हमने। ए नंबर एक में है, खुश खुश कौन रहते हैं, ए शूल, बी पत्ते, सी फूल, डी पक्षी। राइट आंसर हमारा है सी फूल, तो हम यहाँ लिखेंगे सी। दो नंबर है, सूरज की किरणें रोज खड़े जगह पर आती हैं, ए छत, बी खिड़की, सी दरवाजे, डी धरती। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है बी खिड़की। तो यहाँ लिखेंगे सूरज की किरणें रोज खिड़की पर आती हैं, इसका सही जो है क्रम अक्षर वह है बी, हम यहाँ लिखेंगे बी। तीन नंबर है, दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है, तीन नंबर में है, दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है, ए शरीर, बी हृदय, सी घर और डी मन। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या है इसका जो क्रम अक्षर है वह है बी है, बी वो अपना हृदय को जलाकर, दीपक अपना हृदय जलाकर दुनिया को रोशनी देता है, यहाँ बी है तो जो इसका क्रम अक्षर है बी, हम यहाँ लिखेंगे बी। चार नंबर में है, अपना अंतर जलाकर दीपक किसको रोशन करता है, चार नंबर में है, अपना अंतर जलाकर दीपक किसको रोशन करता है, ए दुनिया को, बी राह को, सी रात को, डी बगिया को। हमारा जो सही विकल्प है वह है दुनिया को, इसका क्रम अक्षर ए है, हम यहाँ लिखेंगे ए। पांच नंबर में है, हम अपने अच्छे सच्चे कामों से सारी खाली जगह को महकाएं, हम अपने अच्छे सच्चे कामों से सारी खाली जगह को महकाएं, ए है बगिया, बी धरती, सी कुटिया, डी खटिया। तो हमारा सही उत्तर है वह है बगिया, इसका जो क्रम अक्षर है ए, हम यहाँ लिखेंगे ए। अब पाठ छह है जो है सुबह है, प्रसंग कथा है। एक नंबर है, रेशमा अब खाली जगह साल की लड़की है, ए 9, बी 10, सी 11 एंड डी 12। तो यहाँ है रेशमा अब 11 साल की लड़की है, इसका सही विकल्प है सी, तो हम यहाँ लिखेंगे सी। दो नंबर में है, रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी, रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी, ए पेड़े, बी बताशे, सी गुलाब जामुन और डी है लड्डू। सही जो है विकल्प है वह है लड्डू, रेशमा की माँ लड्डू बनाना चाहती थी, इसका सही क्रम अक्षर है डी, हम यहाँ लिखेंगे डी। तीन नंबर है, माँ को रेशमा की आवाज में क्या महसूस हुआ, तीन नंबर में है, माँ को रेशमा की आवाज में क्या महसूस हुआ, ए ममता, बी दृढ़ता, सी नम्रता, डी लाचारी। माँ को रेशमा की आवाज में क्या महसूस हुआ, ए ममता, बी दृढ़ता, सी नम्रता और डी है लाचारी। सही जो विकल्प है वह है दृढ़ता, इसका जो क्रम अक्षर है वह है बी, हम यहाँ लिखेंगे बी। चार नंबर में है, रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई,
रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई? ए बिस्किट, बी चॉकलेट, सी पिपरमिंट और डी टॉफी। रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई? ए बिस्किट, बी चॉकलेट, सी पिपरमिंट, डी टॉफी। सही उत्तर है टॉफी। इसका जो है क्रम अक्षर वह है डी। हम यहाँ लिखेंगे डी। पांच नंबर है, रेशमा किनके साथ फुलझड़ियां छुड़ा रही थी? पांच नंबर में है, रेशमा किनके साथ फुलझड़ियां छुड़ा रही थी? ए दादा दादी, बी माता पिता, सी भाई बहन, डी सहेली। जो है इसका सही जो उत्तर है, विकल्प सही है वह है दादा दादी। तो रेशमा दादा दादी के साथ फुलझड़ियां छुड़ा रही थी। इसका क्रम अक्षर है ए। हम यहाँ लिखेंगे ए। छह नंबर है, पांच साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था? पांच साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था? ए मलेरिया, बी पोलियो, सी टाइफाइड और डी जुकाम। सही उत्तर है पोलियो। और इसका जो क्रम अक्षर है वह है बी। यहाँ लिखेंगे बी। तो पांच साल की उम्र में रेशमा को पोलियो हो गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है वह है, दूसरा प्रश्न है कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ कोष्ठक में लिखा हुआ है मोटी ताजी, जंगल, पछतावा, इलाज, बंदूक। एक नंबर में है, शिकारी के पास एक खाली जगह थी, तो यहाँ लिखेंगे बंदूक थी। शिकारी के पास एक बंदूक थी, हमें यहाँ कोष्ठक में से लेके यहाँ पूर्ति करना है रिक्त स्थान की। शिकारी के पास एक बंदूक थी। दो नंबर में है, शिकारी शिकार करने के लिए गया था, मैं गया, तो शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया, यहाँ लिखेंगे जंगल। तीन नंबर में है, शिकारी ने एक हिरनी देखी, यहाँ लिखेंगे मोटी ताजी। यहाँ पर जो लिखा कोष्ठक में मोटी ताजी, यहाँ से लेकर हमें लिखना है मोटी ताजी हिरनी देखी। चार नंबर में है, शिकारी को बहुत हुआ पछतावा, यहाँ पछतावा लिखा, यहाँ से हम लिखेंगे पछतावा हुआ, शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। पांच नंबर में है, से हिरनी को आराम मिला, इलाज, यहाँ से लेंगे इलाज लिखा हुआ है, इलाज से हिरनी को आराम मिला। अगले जो है हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। एक नंबर यहाँ पर है, देखिए कोष्ठक में लकड़ी है, लोग है मित्र, कछुआ और कम। एक नंबर में है, तालाब में एक रहता था, यहाँ से लेंगे कछुआ, तालाब में एक कछुआ रहता था। दो नंबर में है, दो हंस कछुए के मित्र थे, यहाँ पर लेंगे मित्र थे, यहाँ से देखकर लिखेंगे कोष्ठक में से मित्र थे, दो हंस कछुए के मित्र थे। तीन नंबर में है, एक साल बरसात बहुत कम हुई, क्या लिखेंगे यहाँ हम इसमें से लेके कोष्ठक में से कम हुई। चार नंबर में है, हंस एक लकड़ी ले आए, तीन लिखेंगे लकड़ी, जो यहाँ कोष्ठक में दे लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए हमें पूर्ति करना रिक्त स्थान की, तो हंस एक लकड़ी ले आए। पांच नंबर में है, लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए, यहाँ से लेंगे लोग, लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। अब देखिए हम जो है बुद्धिमान कौवे के अब देखेंगे, वहां उसमें से जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। यहाँ चौंच लिखा हुआ है कोष्ठक में, चौंच है थोड़ा, प्यासा और तलाश। नंबर एक है, यहाँ कछुआ जो कौवा था खूब प्यासा था, कौवा क्या था, बहुत प्यासा था, तो यहाँ से देख के लिखेंगे
यहाँ है कौवा कुबु, यहाँ से लिखेंगे प्यासा, यहाँ पर लिखेंगे प्यासा था, रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे प्यासा था, कौवा कुबु प्यासा था। दो नंबर है कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की, यहाँ लिखेंगे तलाश की। तीन नंबर में है घड़े में थोड़ा पानी था। चार नंबर है कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। अब रिक्सान अगर जो है दूसरे जो हम पाठ में से ले देखेंगे, यहाँ पर कोष्ठक में मीठा डाल रोटी गाना चाला की। एक नंबर में है लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा, यहाँ लिखेंगे डाल यहाँ से लेके कोष्ठक में से। दो नंबर है लोमड़ी को कौवे का गाना मीठा लगता था, लिखेंगे मीठा। तीन नंबर में है लोमड़ी ने कौवे से सुनाने के लिए कहा, तो क्या कहा उसने, यहाँ लिखेंगे गाना। क्या सुनाने के लिए कहा, गाना सुनाने के लिए कहा। चार नंबर में है कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया, चार नंबर में है कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। पांच नंबर है फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली, यहाँ लिखेंगे रोटी, तो फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। दो नंबर का जो है कविता है एक जगत एक लोक में से हम देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसमें कोष्ठक में है राग विश्व शांति रंग एके और जीवन। एक नंबर में है जीवन है सुख दुख की एक कहानी, यहाँ लिखेंगे जीवन। दो नंबर में हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, यहाँ लिखेंगे राग। तीन नंबर में है राष्ट्रों में एके यही कर्म हमारा, राष्ट्रों में एके यही कर्म हमारा। चार नंबर है हिल मिलके लहराएं, क्या लिखा हुआ है हिल मिलके लहराएं विश्व शांति का निशान। चार नंबर में है हिल मिलके लहराएं विश्व शांति का निशान, विश्व शांति का निशान। पांच नंबर में है हम सबके खून का रंग एक जैसा है, हम सबके क्या है खून का रंग कैसा है एक जैसा है, यहाँ लिखेंगे रंग। तो हम सबके खून का रंग एक जैसा है। अब पार्ट तीन जो है समाधानन्नी कहानी है, उसमें से हम लेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। कोष्ठक में है गंदी दलदल करुण और स्वभाव। एक नंबर में है नन्नी ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली, नन्नी ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली। दो नंबर में है बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीन नंबर में है डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। चार नंबर में है मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी, चार नंबर में है मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। यहाँ है कोष्ठक में किरणों दीपक इंसान खुश खुश। एक नंबर में है बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। दो नंबर में है सूरज की किरणों, क्या लिखा है सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती हैं, सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती हैं। तीन नंबर में है दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। चार नंबर में है आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, चार नंबर में है आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। अब यहाँ पर है नंबर एक में ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। दो नंबर में है
रेशमा किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। रेशमा किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। तीन नंबर में है, रेशमा को दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा लगा। रेशमा को दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा लगा। चार नंबर में है, रेशमा के दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे। पांच नंबर में है, पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। पांच है, पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। देखिए आपका जो प्रश्न तीन होगा वह होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आपको एक एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तीसरे को जो है तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में, प्रश्न में एक नंबर में है, शिकारी जंगल में क्यों गया था। शिकारी जंगल में क्यों गया था? शिकारी को हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। क्या हुई उसे? उसको हिरनी का मांस, हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए वह जंगल में गया था। शिकारी को हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए वह जंगल में गया था। दो नंबर में, हिरनी देखने में कैसी थी? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? हम उत्तर लिखेंगे, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। हम कैसे तराने गाएंगे? हम मानव जीवन की क्षमता और ममता के तराने गाएंगे। अगला प्रश्न होगा, समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति को बुराई से हम छुड़ा सकते हैं। तो समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति को बुराई से छुड़ा सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वह है, कौन फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता? कौन फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता? उत्तर लिखेंगे, आंधी और पानी या जो वर्षा होती है फूलों को हंसने से नहीं रोक पाते। आंधी और पानी जो वर्षा है फूलों को हंसने से नहीं रोक पाते। अब जो हमारा अगला प्रश्न होगा वह है, प्रकृति से, यह है प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। प्रश्न चार होगा वो, अंकुर शब्दों के की जोड़ मिलाने का। हमें अंकुर शब्दों की जोड़ मिलाइए। 59 लिखना है यहाँ से देख के, यहाँ में लिखना 59 है, 70 है, 71 है, 84 यहाँ पर है, 96 फिर यहाँ है, 51 है, फिर यह है 65, 74 यहाँ है, ये है 97 और यहाँ है 92। यहाँ से हमें देखकर इसको मैच करके यहाँ उसके जो है शब्दों की जोड़ मिलाकर यहाँ में ये उत्तर लिखना है। यह अंकों और शब्दों की जोड़ मिलाइए। यहाँ से देखिए हमें उत्तर लिखना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट प्रश्न होगा, छेला हमें लिखना है और अंकों और शब्दों को जोड़कर यहाँ से देखकर आंसर जो है उत्तर लिखने हैं।